कांग्रेस पार्टी प्रदेश महासचिव मनवीर कौर गिल ने कालका में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आरएसएस प्रमुख के बयान अनुसार कहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की मुख्य भूमिका रही है, जबकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का सबूत खुद देकर पार्टी की सच्चाई को बयान किया है, लेकिन यह नहीं बताया कि देश की आज़ादी में आरएसएस और भाजपा की क्या भूमिका रही है। कि राहुल गांधी जी का जो संघर्ष और जो मेहनत, वो एक तरह से सफल दिखाई देने लगे। आज बीजेपी के मोहन भागवत जी से उनके प्रमुख ने एक बयान दिया है कि देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी का एक अहम रोल रहा है, जिसे आज तक इन्होंने कभी माना नहीं। ये मैं समझती हूँ कि एक सच्चाई उनके मन से निकली, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। आज़ादी के संघर्ष में ना बीजेपी ने ना आरएसएस ने, इन्होंने कोई भी इनका वर्कर ऐसा नहीं था जिन्होंने उस संघर्ष में हिस्सा लिया। इसी मुद्दे को लेकर कालका में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें शहर के प्रमुख कांग्रेस लीडर मौजूद हुए। मीटिंग में बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंगला ने महासचिव मनवीर कौर गिल की ओर से आरएसएस प्रमुख द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान पर जवाब देते हुए कहा कि आरएसएस ने तो माना है कि वे तिरंगे का मान सम्मान तो करते हैं, लेकिन उनका भगवा रंग का झंडा उनका गुरु है। उन्होंने एक और विवादास्पद बयान दिया है कि वे तिरंगे का सम्मान करते हैं, लेकिन भगवा तिरंगा, भगवा रंग का झंडा उनका गुरु है, जो कि सर्वमान्य नहीं। तो कांग्रेस पार्टी बहुत धन्यवादी है भागवत जी की कि उन्होंने सच को माना, भगवान शिव के प्रति अपनी पूरी आस्था को दिखाते हुए, और हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सच को माना। यही आज के दो मुद्दे हैं। कांग्रेस महासचिव मनवीर कौर गिल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बयान देकर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया है कि अब कांग्रेस पैराशूट से किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी, बल्कि टिकट का असली हकदार वह होगा जो अपने हलके में पूरी मेहनत करेगा और पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाएगा। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी खुशी की लहर है और हलके में सक्रिय उम्मीदवार का भी मनोबल बढ़ा है। जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, उन्हीं को आने वाले इलेक्शंस में टिकटें दी जाएंगी, पैराशूट से आए हुए, और जो पार्टियों बदल बदल के जो कैंडिडेट आएंगे उनको टिकटें नहीं दी जाएंगी, ये उन्होंने मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में ये कहा। कार्यकर्ता में खुशी की लहर है, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है, उन्होंने मान सम्मान किया है जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंगला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं है और लोकल किसी भी स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट मिले वह उनके साथ है। इससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि दूसरी पार्टी में आए उम्मीदवार को भी पार्टी की ओर से टिकट नहीं दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया। दूसरा उन्होंने एक और बहुत अच्छा किया है, जो हम लोगों को बहुत ऊंचा ले गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कि कांग्रेस में गुटबाजी की कोई जगह नहीं, और यही हम कार्यकर्ता कह रहे हैं, यही मनवीर जी शुरू से कह रही हैं कि किसी को टिकट मिले स्थानीय स्तर पर, हम सब उनके साथ।